फिर आ गया और फिर से चाह गया। ए ए ए इसो जी लोक मी, और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए हिटमैन कोड नेम 47 का मिशन नंबर 3। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम मिशन खेलने जा रहे हैं उसका नाम है द मसाक्रे एट चंगचाओ फिश रेस्टोरेंट। चंगचाओ फिश रेस्टोरेंट मेरी सम काइंड ऑफ चाइनीज रेस्टोरेंट, बाय द वे दीज मिशंस आर इन हांगकांग। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। ये ब्रीफ आ गई है हमारे पास और इसको हम नेक्स्ट करेंगे और मिशन के ऑब्जेक्टिव रहे आपकी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट द रेड ड्रैगन नेगोशिएटर, हाइड द बॉडी ऑफ द रेड ड्रैगन नेगोशिएटर, जो कि सेकंड ऑब्जेक्टिव है। यानी रेड ड्रैगन को सबसे पहले असैसिनेट करना है, मारना है, उसके बाद उसकी बॉडी जो है उसको छुपाना है मारने के बाद। और उसके बाद जो सेकंड बंदा टपकाने का वो है पुलिस का चीफ। और फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि आपने रेड ड्रैगन से आपको एक एमुलेट मिलेगा, इसको हम एक साइन बोल सकते हैं, उसको हमने रेस्टोरेंट में प्लेस करना है। अब क्यों करना है वो चले मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। और ये रहा आपका मेन टारगेट चीफ ऑफ पुलिस द सेकंड टारगेट, और ये इसकी हाइट और वेट, और 58 ईयर्स का ये बंदा है, शॉर्ट हेयर, ग्रे ऑन द साइड्स, पुलिस यूनिफॉर्म। ये तो रही इसकी पहचान, और ये इसकी शॉर्ट वीडियो है ताकि आपको पता लग जाए कि चीफ ऑफ पुलिस कौन सा है। बहरहाल ये वीडियो देखने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर जो कि मैप है, और इसके बाद फाइनली नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारे पास है इक्विपमेंट चूज़ करने का। अब जैसा कि आपने लास्ट दो मिशन्स में देखा है कि हमने कौन कौन सी इक्विपमेंट चूज़ की थी, इस मिशन में हम चूज़ करने जा रहे हैं नाइफ। नाइफ जो कि है 65 यूएस डॉलर्स का, और हम यहाँ पर इस दफ़ा लेंगे साइलेंस्ड गन ब्रेटा 92 साइलेंस्ड, ठीक है, जो कि साइलेंसर के साथ आती है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है एएमटी हॉट बॉलर से, क्योंकि एएमटी हॉट बॉलर थी 550 यूएस डॉलर्स की और ये है 775 यूएस डॉलर की। और पीटीआई का दौर है, महंगाई तो है भाई, क्या करें, इसके बदले में कमाएँगे भी। तो अब हम इसके साथ लेकर जा रहे हैं तकरीबन 15 से 30 गोलियां लेकर जा सकते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपका निशाना कितना पक्का है और आप किस तरीके से ये मिशन को खेलते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा ये गेम खेलें तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 30 गोलियां लेकर जाने की। फ़िलहाल यहां पर हम 15 गोलियां सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि जितना यहाँ पर आप परचेजिंग करते हैं वो आपके अकाउंट से कट होता है। तो अब बातें ख़त्म करते हैं और मिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड की तरफ भागना है, और ये है बेसिकली वो मेन रेस्टोरेंट जहाँ पर इनकी मीटिंग सेट है, और दो टारगेट आपके यहाँ होंगे। अभी यहाँ पर कोई पहरा नहीं है पुलिस का, इसलिए फौरन जाकर बारटेंडर से बात करेंगे। What can I do for you? I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. अब उसने बोला कि मैंने बाथरूम यूज़ करना है भाई मुझे, तो उसने बोला ये चाबी पकड़ो। तो चाबी पकड़ के हम वॉशरूम की तरफ भागेंगे और जल्दी से जो बरेटा 92 साइलेंस्ड गन हमने ख़रीदी थी उसको यहाँ पर माइनस का बटन प्रेस करके रख देंगे और इस खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। अब मेन गेट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से जाने के लिए बाहर, आपको जस्ट दिखाने के लिए। मैं दोबारा अंदर गया हूँ। दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं आपके पास। ये ना कि बारटेंडर सोचे कि यहाँ आदमी एक वॉशरूम में गया था और दोबारा वापस नहीं आया। अच्छा बहरहाल, अब यहाँ से हम बाहर आ गए तो हमारा पहला जो मेन टारगेट है वो भी आई थिंक इस एरिए में एंटर हो चुका होगा, रेड ड्रैगन नेगोशिएटर। ढूंढने की कोशिश करते हैं। Hello?
ये रहा वो गटर जिसमें उसकी लाश फेंकनी है रेड ड्रैगन नेगोशिएटर की, उसके कपड़े अगर चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो मिशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और याद रखिए तीसरा मिशन है हिटमैन कोड नेम 47 का, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रही है मिशन मुश्किल होते जा रहे हैं। इसमें सबसे मुश्किल जो काम है वो इस बंदे को मारना है बजाय बगैर कोई विटनेस के, यानी इसको कोई देखे ना। और आप चाकू हम स्क्रॉल करके निकालेंगे और एक नज़र दौड़ाएंगे आगे पीछे के कोई इसकी विटनेस तो नहीं है, और इसके बाद इसके गले पे छुरा फेर देंगे। इंसर्ट का बटन प्रेस करके इसको छुपाएंगे और इसकी लाश को ड्रैग करेंगे गटर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर पॉसिबल है कि कोई आपको देख ले तो आपको मिशन रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से इसकी लाश को इस तरफ लेके आएंगे गटर की तरफ, और यहाँ पे राइट क्लिक से छोड़ेंगे। अगर आप पहली अटैम्प्ट में इसको ड्रैग करके नीचे नहीं फेंक सके तो आपको बार बार अटैम्प्ट करना पड़ेगा, और फाइनली हमने उसे नीचे फेंक दिया है। और समझ लिए आधा मिशन आपका यहीं पे सक्सेसफुल है, और हम अब नीचे उतरेंगे क्योंकि यहाँ पर दो काम करने में, सबसे पहले इसके कपड़े पहनने हैं, लेकिन उससे पहले पिकअप रेड ड्रैगन एमुलेट, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं। ये रहा रेड ड्रैगन एमुलेट ऊपर, जो कि हमने उस होटल में रेस्टोरेंट में प्रेस करना है ताकि लोग ये समझे। अब इस मिशन की स्टोरी ये है कि ये रेड ड्रैगन नेगोशिएटर था, अगर आपको याद होगा पहले मिशन में हमने रेड ड्रैगन के एक बंदे को मारा था जिसका इल्ज़ाम आ गया था ब्लू नेगोशिएटर्स पे, उनके गैंग के मेंबर्स पे। और दूसरे मिशन में कार बम वाले मिशन में हमने ब्लू नेगोशिएटर मारे थे जिसका इल्ज़ाम आना चाहिए था इन लोगों पे, रेड ड्रैगन्स पे। तो काम कर रहा है कोड नेम 47 ये सारे, और इल्ज़ाम आ रहे हैं इन एक दूसरों पे ताकि इन दोनों गैंग्स की लड़ाई हो। अब ये करवा कौन रहा है, ये करवा रहे हैं क्लाइंट्स जो कि ICA कंपनी को पैसे देकर ये काम कोड नेम 47 से करवा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी स्टोरी समझ में आती जाएगी। अब बहरहाल हम इसके कपड़े पहनेंगे, और यहाँ पर फ़िलहाल काम ख़त्म हुआ और अब ऊपर चले जाएंगे। अब आपको याद होगा हमने गन जो है वो इस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहले ही फेंक दी थी। अब वो क्यों फेंकी थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे हमारी तलाशी होगी, वेपन्स जो भी हैं वो ले लिए जाएंगे। So there you are. Let me just take your weapons. No. अब हमारे पास कोई वेपन ही नहीं है। याद रखिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा वेपन यहाँ पर होगा तो ये पुलिस वाले आपसे ले लेंगे। अब ये जो पुलिस वाला है, चीफ ऑफ पुलिस है, ये भी हमारा टारगेट है, ठीक है। और दोबारा F1 प्रेस करके, याद रखिए मिशन में किसी भी वक्त आप F1 प्रेस करके दोबारा से अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मेरे क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एलिमिनेट द रेड ड्रैगन नेगोशिएटर, वो हम कर चुके हैं। हाइड द बॉडी ऑफ द रेड ड्रैगन नेगोशिएटर, वो भी हम कर चुके हैं, हम उसकी बॉडी को छुपा चुके हैं। एलिमिनेट द चीफ ऑफ पुलिस, ये चीफ ऑफ पुलिस जो है वो हमारा मेन टारगेट है अब। और फाइनल ऑब्जेक्टिव है प्लेस अ रेड ड्रैगन एमुलेट इनसाइड द रेस्टोरेंट, ये जो एमुलेट हमने उससे उठाया था वो यहाँ रेस्टोरेंट में कहीं पे भी हम प्लेस कर देंगे। F1 एस्केप का बटन प्रेस, यहाँ से हम नेक्स्ट एरो पे क्लिक करके तो यहाँ से वापस जा सकते हैं। अब इनसे बात करेंगे। I did not expect a European to be Mr. Harmon's representative. I was personally selected to carry out this delicate mission. Before we continue, I need a little break to freshen up. Of course. Ask the bartender for the key to the bathroom. अब 47 ने बहाना लगाया कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद आके मैं बात करता हूँ आप लोगों से। वो कहता है कि बारटेंडर से जो है आप वॉशरूम की चाबी ले लो। तो चाबी तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं और हमारे पास भी है। I was personally selected to carry out this delicate mission. Please excuse me for a minute. I have to go wash my hands. Sure. Ask the bartender for the key to the bathroom.
डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी की जो है वो हमारे पास है और ये गन यहाँ पर ब्रेटा 92 साइलेंस्ड अवेलेबल है, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और अब जो आपको करना है बड़ा सोच समझ कर करना है। आपको तीन लोग बाहर मौजूद हैं, उनमें से कम भी दो को मारना पड़ना है, अगर बार टेंडर ने देख लिया तो उसे भी मारना पड़ना है, और अगर बाहर आपसे गलती से विंडो का शीशा टूट गया रेस्टोरेंट की तो बाहर जितने पुलिस वाले हैं वो अंदर आ जाएंगे और फिर आप हैं और वो हैं। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। दरवाज़ा खोल के पहला निशाना चीफ ऑफ पुलिस का। तो यहां पर हो गई 47 की डेथ। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात। तो दरवाजा खोलते हैं, पीछे हटके पहले चीफ ऑफ पुलिस का निशाना लेते हैं। और जल्दी से यहीं पे एमुलेट फेंक देते हैं। माइनस का बटन प्रेस करके आप एमुलेट प्रेस कर सकते हैं और बजाय के सामने के रास्ते से निकलने के हम पीछे वाली खिड़की यूज़ करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त का कौन सा पता होता है कोई, क्योंकि हमारे से विंडो टूट गई थी। ओह नो, मेरा ख्याल है हमारे सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हैं और अब मिशन को पास हो जाना चाहिए यहाँ पर। लेट्स सी, अकम्प्लिश अकम्प्लिश अकम्प्लिश, यस, चार के चार ऑब्जेक्टिव कंप्लीट और मिशन रिवार्ड रहा $15,000, जिस पर एक्सपेंस आया $651 का और इनकम रही $14,149। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मिशन और वीडियो भी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे हिटमैन कोड नेम 47 के नेक्स्ट मिशन, जो कि है मुश्किल मिशन ली होंग असैसिनेशन के साथ। टिल देन